Amazon Prime Video की one of the best series, The Family Man आ रही है अपने season 3 के साथ, जिसका first season आया था साल 2019 में, second season आया था साल 2021 में, और अब finally film का third और much awaited season आने वाला है इस साल के end में। पहले ये कहा जा रहा था कि इस साल ये series release नहीं हो पाएगी, लेकिन हाल ही में आई अपडेट के हिसाब से इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, और साथ ही ये फिल्म इस साल के एंड तक रिलीज भी हो जाएगी, जो इस सीरीज के लाखों फैंस के लिए एक काफी अच्छी न्यूज है। इसके साथ ही फैमिली मैन की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें मनोज भाजपाई यानी श्रीकांत तिवारी वैसे तो एक मिडिल क्लास मैन है, लेकिन वो सीक्रेटली थ्रेट एनालिसिस और सर्विलियंस सेल यानी कि TASC के एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भी है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक ब्रांच है, और जब देश पर खतरा आता है तब इस फैमिली मैन को अपने देश के साथ साथ अपनी फैमिली को भी बचाना पड़ता है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में हमें पाकिस्तान टेररिस्ट के हमले दिखाए जाते थे, तो वहीं सेकंड सीजन में तमिलन और टेररिज्म दिखाया गया था, जिस पर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन फिर भी सीजन 2 सुपर हिट रहा था, क्योंकि इसका एक्शन तो अच्छा था ही, लेकिन साथ ही फिल्म की मेन विलन थी समांथा रूथ प्रभु। और अब फिल्म की थर्ड सीजन के बारे में बात किए जाए तो ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि फिल्म में होने वाला है इंडिया वर्सेस चाइना, और फाइनली हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से आगे सोच रही है, क्योंकि पिछली मोस्टली पेट्रियोटिक मूवीज को देखा जाए, फिर वो टाइगर 3 हो या पठान हो, फाइटर हो या फिर हाल ही में आई योद्धा हो, इन सभी में हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही दिखा है, जिससे ऑडियंस हो चुकी है बोर। इसीलिए फैमिली मैन 3 लाने जा रहा है कुछ नया, और वैसे भी इन रियलिटी देखा जाए तो इंडिया को जितना खतरा पाकिस्तान से है उतना चाइना से भी है, जिसके साथ 3 बार हमारी लड़ाई हो चुकी है, जिसमें सबसे बुरी थी साल 1962 में हुई सिनो इंडियन वॉर, जिसे चाइना इंडिया वॉर भी कहा जाता है, फिर साल 1967 में भी चाइना ने इंडिया पर हमला किया था, और आखिरी बार साल 1987 में भी समडोरंग शू स्टैंड आउट वॉर, जिसके बाद से भले ही कोई ऑफिसर या ऑफिशियली मिलिट्री वॉर नहीं हुई, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से अभी भी कोल्ड वॉर तो जारी है। साथ ही इंडिया के POK पर हमला करने के बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है, और चाइना अपनी एंटी चाइनीज हरकतें करने के पार नहीं आ रही है, और साल 2021 में चाइनीज ट्रूप्स ने सिक्किम के पास वाले एरिया पर किया था हमला, और उसके एक साल बाद फिर से साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश स्टेट के तवांग सेक्टर में दोनों ट्रूप्स एक दूसरे से टकराए थे, जिसमें काफी सोल्जर्स को इंजरीज भी आई थी, और उसके बाद भी चाइना के सोल्जर्स हमारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में घुसखोरी करे जा रहे थे और स्पाइस बनकर हमारे यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाइना डिलीवर करते थे, और इनकी वजह से काफी सारे स्मॉल ईस्टर्न विलेजेस को परेशानी भी हुई थी। तो पॉसिबल है कि LAC के किस्सों को लेकर फैमिली मैन 3 पे स्टोरी दिखाई जाए। आज तक बॉलीवुड में इस टॉपिक को लेकर साल 2019 में बनी थी 72 आवर्स, जो जसवंत सिंह रावत की स्टोरी थी, जिन्होंने चाइनीज आर्मी को बड़े बहादुरी से मुकाबला किया था। उसके साथ ही साल 2018 में आई थी पलटन, जिसमें नाथू लापास को चाइनीज ट्रूप से बचाने की स्टोरी थी। उसके बाद है सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो हमारे देश के बहादुर सैनिक थे, जिनके 1962 की इंडिया वर्सेज चाइना वॉर में कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में ये फिल्म थी। और उसके साथ ही हॉटस्टार स्पेशल 1962 वेब सीरीज में इस पूरी वॉर के बारे में बताया गया था। तो फैमिली मैन 3 से भी हम किसी ऐसी ही स्टोरी की उम्मीद लगा सकते हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828850888।